रविंद्रनाथ ठाकुर मानवतावाद के प्रबल समर्थकों में से एक थे। उनका प्रकृति के आंचल में शिक्षा का सिद्धांत जन जन को भाया और गहरे सामाजिक सरोकारों से संबंध रखने वाली लघु कहानियों ने विश्व में हलचल मचा दी और आज भी लोगों के हृदय पर राज कर रही है। एक राजा और प्रजा के बीच गहरे लगाव को दर्शाती है उनकी यह कहानी राजा का न्याय। नदी घाट पर स्नान करने के लिए पधारने वाली है, इसीलिए सभी झोपड़वासी बच्चे बूढ़े और साधु सन्यासी अपनी झोपड़ियां खाली करके कहीं चले जाए। महारानी जब स्नान कर आ जाए तो लौट आए, यही राजा का आदेश है। राजाज्ञा न मानने वाले राजद्रोही कहलाएंगे। हमारे परमेश्वर काशी के महाराज के कारण है। हमेशा हमें नदी दान में आने से पहले सारी झोपड़ियाँ खाली करवा देते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे पति मिले। हाँ महारानी जी, सचमुच महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं और राजकाज में व्यस्त होने के बावजूद भी आपकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखते हैं। देखो ना, तभी तो महारानी के कोमल हाथों की छपछप से एक संगीत सा निकल रहा है। सखियो आप परिहास मत करो, काम में ज्यादा देर लग रहा होगा, सर्दी बहुत है। रानी
देखिए, ऐसा मजाक भी कहीं हो सकता है भला? इन झोपड़ियों में साधु सन्यासी रहते होंगे, गरीब पर देसी रहते होंगे, क्या उन बिचारों के निजी घरों को जला देना चाहते हैं? बड़ी आई दया दिखाने वाली, जैसा कहा वैसे करो। महारानी जी, किसी इन गरीब बच्चों का क्या होगा? इसी प्लॉट जब डॉक्टर को अपनी झोपड़ियाँ ना पाएंगे तो क्या होगा? इन दिनों में वो सर फांस पाएंगे, यह अन्याय होगा। अन्याय बात न्याय और अन्याय की बात करने वाली तू कौन होती है? तापी और न्यायप्रिय राजा का अनोखा न्याय, किंतु इसके बाद वह राजा फिर कभी न्याय न कर सका।